हेलो डियर स्टूडेंट्स टुडे वी लर्न अबाउट प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड बिफोर वी स्टार्टिंग अवर टूडेज़ लेक्चर वी नीड टू रिवाइज़ अवर प्रीवियस लेक्चर तो फ्रेंड्स हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था फूड वेराइटीज़ के बारे में तो फ्रेंड्स फूड वेराइटीज़ क्या होती है तो फूड वेराइटीज़ के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जो फूड डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में और डिफ़रेंट कंट्रीज़ में हर कोई अलग अलग फ़ूड लेता है जैसे कि हमने एक साउथ रीजन का एग्ज़ाम्पल लिया था कि साउथ रीजन के अंदर जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने फूड के अंदर हाईएस्ट अमाउंट में राइस का यूज़ करते हैं दूसरा हमने क्या देखा था तो सेकंड पॉइंट हमने देखा था इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो फ्रेंड्स ये इंग्रेडिएंट्स क्या होता है तो कोई भी डिश फूड की प्रिपेयर करने के लिए हम उसके अंदर जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं तो उस मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं इंग्रेडिएंट्स तो इन इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ करके कोई भी डिश प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल लिया था बॉयल्ड राइस का तो बॉयल राइस बनाने के लिए हमने क्या किया था बॉयल राइस बनाने के लिए हमने राइस और रॉ राइस मतलब कच्चे चावल और पानी लिया था तो इससे हमने क्या बनाया था बॉयल्ड राइस उसके बाद में हमने क्या देखा तो उसके बाद में हमने देखा था फूड सोर्सेस के बारे में तो फूड सोर्सेस के अंदर फूड हमें कहाँ से मिलते हैं वो हमने देखा था फूड सोर्सेस के बारे में हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था कि हमारे पास फूड के दो सोर्सेज हैं पहला सोर्स हमारा है प्लांट प्रोडक्ट्स एंड सेकंड हमारा सोर्स कौन सा था एनिमल प्रोडक्ट तो फ्रेंड्स तो, प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट तो प्लांट्स से जो हमें मिलता है लाइक अ फ्रूट सीड लीफ स्टेम तो इन सारी चीज़ों का हम फूड में यूज़ करते थे और सेकंड हमने क्या लिया था सेकंड प्रोडक्ट हमारी थी एनिमल प्रोडक्ट तो एनिमल प्रोडक्ट हमें कहाँ से और क्या मिलती थी तो एनिमल प्रोडक्ट्स मतलब कि हमें जो एनिमल से प्रोडक्ट मिलती थी उसे हमें एनिमल प्रोडक्ट बोला था और एनिमल प्रोडक्ट में हमने क्या क्या इंक्लूडेड किया था तो मीट एग मिल्क एक्सेट्रा थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द एनिमल प्रोडक्ट नाउ वी स्टार्ट आवर टूडेज लेक्चर प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज अ फूड प्लांट्स आर वन सोर्सेज ऑफ आवर फूड विच पार्ट ऑफ़ अ प्लांट विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इट मीन्स प्लांट्स जो है वो एक फूड का एक टाइप का सोर्स है जिनमें से हम कौन से उसके पार्ट्स को मतलब एज अ फूड यूज़ करते हैं तो वी ईट अ मैनी लीफी वेजिटेबल्स हम लोग बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं तो इन लीफ़ी वेजिटेबल्स में हम कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम कौन से लीफ़ी वेजिटेबल्स खाते हैं तो लीफ़ी वेजिटेबल्स के लिए हम बोल सकते हैं कि हम कैबेज खाते हैं तो कैबेज में जो है कैबेज जो है वो एक लीफ पार्ट है उसका तो इसलिए हम उन लीफ़ी वेजिटेबल्स को यूज़ करते हैं सेकेंड वी ईट अ फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स हम लोग फ्रूट्स भी खाते हैं बहुत सारे प्लांट्स के फ्रूट्स तो आप सभी जानते हैं इसके एग्जाम्पल तो एप्पल बनाना चीकू एक्सेट्रा समाइम रूट्स आर ऑल्सो यूजड एज अज अ फूड तो रूट्स में हम कौन सी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो कैरोट्स है बीट्स है बीटरूट तो इन सारी चीज़ों को ये जो है वो रूट पार्ट है प्लांट का इसको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं एंड समटाइम्स स्टेम्स आर यूज एज अ फूड तो स्टेम का कौन सा पार्ट तो स्टेम में शुगर कैन जिंजर तो इन चीज़ों के ये जो है वो स्टेम्स हैं तो इन स्टेम को भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं एंड इवन फ्लावर्स इवन हम तो फ्लावर्स को भी एज अ फूड यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स फ्लावर्स में हम कौन सा एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप कोई बता सकते हो तो फ्रेंड्स फ्लावर्स के अंदर ब्रोकॉली जो है तो वो ब्राकॉली को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं अभी देखो एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी दिया हुआ है हैव यू एवर ईटन अ पम्पकिन फ्लावर डीप्ड इन अ राइस पेस्ट एंड फ्राइड क्या आपने कभी पम्पकिन के फ्लावर्स को राइस के जो पेस्ट होती है उसके अंदर डीप करके उसको फ्राई करके खाया है नहीं खाया है तो ट्राई कीजिएगा बहुत ही टेस्टी होता है तो ये जो है वो एक फ्लावर के बारे में बात हुई सम प्लांट्स हैव अ टू और मोर एडिबल पार्ट्स इट मीन्स कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स जो प्लांट के हैं वो ईटेबल होते हैं जिनको हम खा सकते हैं सीड्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट गिव ऑज़ ऑयल एंड लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल्स इट मीन्स जो मस्टर्ड प्लांट के सीड्स हैं वो हमें ऑयल देते हैं एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल उसके जो लीव है लीव उसको हम एज अ वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं Can you think of the different parts of a banana plant that are used as a food? क्या आप सोच सकते हो कि बनाना प्लांट के भी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं हाँ उसके लीव्स को बनाना जो फ्रूट है उसको तो हम यूज़ करते ही हैं उसके लीव को भी हम यूज़ करते हैं थिंक ऑफ अ मोर एग्जाम्पल मतलब कि ऐसे बहुत और भी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स आप सोचो कि जे, जिस प्लांट के दो से ज़्यादा पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है ब्रिंजल करी का तो जिसमें ब्रिंजल जो है वो एक इंग्रेडिएंट है दूसरा इंग्रेडिएंट चिली है और स्पाइसेस है चिली को हम एज अ स्पाइसेस यूज़ करते हैं और, और भी बहुत सारे मटीरियल्स होते हैं मसाले होते हैं उसके बाद ऑयल जो ग्राउंड नट्स में से मिलता है या मस्टर्ड में अलग अलग पीपल्स अलग अलग ऑयल यूज़ करते हैं तो ग्राउंड नट में से मस्टर्ड में से सोयाबीन में से और और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें से हमें ऑयल मिलता है तो ब्रिंजाल जो है वो प्लांट का फ्रूट पार्ट है चिली एज अ स्पाइसिस जो हम यूज़ करते हैं वो है फ्रूट पार्ट और ऑयल जो हम यूज़ करते हैं एज अ ग्राउंड नट में से मस्टर्ड में से सोयाबीन में से तो ये सारा जो है वो सीड पार्ट है तो फ्रेंड्स ये तो हमने देखा कि हम कैसे उसको प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं तो हमें इसके पहले ही ये देखना था कि प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं तो कोई बात नहीं अब हम देख अब देख लेते हैं तो फ्रेंड्स प्लांट में दो सिस्टम्स होती हैं एक होती है रूट सिस्टम और एक होती है शूट सिस्टम रूट सिस्टम हम किसको बोलते हैं तो रूट सिस्टम हम उसको बोलते हैं जो प्लांट में ज़मीन से नीचे के पार्ट में होते हैं उसको हम बोलते हैं रूट रूट सिस्टम और फ्रेंड्स शूट सिस्टम हम किसको बोलते हैं जो जमीन से ऊपर का जो पार्ट है लाइक अ स्टेम है लीव्स है तो इसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं तो रूट सिस्टम में दो तरह के रूट्स प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट तो फ्रेंड्स प्राइमरी रूट हम किसको बोलेंगे तो प्राइमरी रूट इट मीन्स द फर्स्ट रूट ऑफ अ प्लांट ओरिजिनेटेड इन द एम्ब्रियो जो प्लांट मतलब कि जो सिड होता है उसके एम्ब्रियो में से जो फर्स्ट रूट ओरिजिनेट होता है आप सभी ने मूंग खाए होंगे जो उगे हुए मूंग होते हैं वो तो मूंग जब आप देखते हो दो चार दिन भिगो के रखने के बाद में उसको गीले कपड़े में रखने के बाद में जब देखते हो तब आपको उसमें से एक वाइट छोटा सा पार्ट दिखाई देगा तो उस व्हाइट पार्ट जो है वो स्टार्टिंग है एम्ब्रियो में से जो रूट निकला है वो प्लांट का ओरिजिनेट हुआ है फर्स्ट रूट तो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी रूट और अब हम सेकेंडरी रूट को क्या बोलते हैं तो ड्यूरिंग इट्स अ ग्रोथ इट ब्रांची इट ब्रांचेस टू फ्रॉम द सेकेंडरी रूट मतलब कि प्राइमरी रूट का जो ग्रोथ होता है उसके टाइम पे जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं सेकेंडरी रूट आगे जब प्राइमरी रूट डेवलप होता है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती है धीरे धीरे एक में से दो ब्रांच होती है दो में से चार ब्रांच तो ये जो ब्रांचेस होती हैं उन ब्रांचेस को हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट अब देखते हैं शूट सिस्टम तो फ्रेंड शूट सिस्टम में इंक्लूडेड होता है फ्लावर फ्रूट स्टेम लीफ बर्ड एंड नोड नोड़ हम किसको बोलते हैं तो नोड़ जो है वो स्टेम और लीफ की जो ब्रांच है उन दोनों के बीच का जो एंगल है जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं नोड़ और बर्ड हम किसको बोलते हैं तो बर्ड हम उसको बोलते हैं जो लीफ है उसके बीच में जो एक छोटा सा न्यू जहाँ से नया प्लांट उग सकता है ऐसा जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बर्ड आपने देखा होगा कि जो तुलसी का पौधा होता है या फिर जो भी आपके घर में प्लांट होगा उसमें आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके एक छोटी सी कनी मतलब कि कली उगती है फिर उसमें से धीरे धीरे लीफ उगता है फिर आगे जाके और आगे वहाँ से और आगे जैसे ब्रांच बढ़ती है स्टेम आता है तो और आगे जाके वापस से एक बर्ड न्यू ग्रो होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे बर्ड तो अब हम देखते हैं आगे का पार्ट एक्टिविटी 4 फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन अ टेबल 1.3 पॉइंट थ्री आपने जो टेबल वन पॉइंट थ्री में जो आइटम्स लिस्ट आउट किए हैं उनमें से कुछ आइटम्स को आप इन्ग्रीडियंट्स को ऑब्टेन कर लो प्लांट्स के उसके बाद में आपको क्या करना है विच पार्ट ऑफ प्लांट फिर आपको बताना है कि ये जो इंग्रेडिएंट आपने लिया जैसे कि हमने मस्टर्ड लिया तो मस्टर्ड एज अ ऑयल का किसी भी डिश में यूज़ किया है तो मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया तो मस्टर्ड जो है वो कौन सा पार्ट है तो सीड पार्ट है तो इसी तरह से हमें कुछ डिश लेनी है और फिर उन कुछ डिशों के नाम में से इंग्रेडिएंट्स अलग करने हैं और फिर इंग्रेडिएंट्स में से हमें उस प्लांट का पार्ट बताना है कि ये इंग्रेडिएंट कौन से पार्ट का है अब देखते हैं एक्टिविटी फाइव अब एक्टिविटी नंबर फाइव बता रहा है टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ अ मूंग और चना मूंग और चना के आपको क्या लेने हैं ड्राई सीड लेने हैं सूखे दाने जो आप मूंग खाते हो घर में वही पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फील्ड विथ अ वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे इट मींस आपको क्या करना है उस स्मॉल क्वांटिटी सीड की लेनी है एक कंटेनर में फील्ड पानी भरा होगा उस पानी के अंदर आपको उसको डाल देना है और फिर छोड़ देना है एक दिन के लिए नेक्स्ट डे ब्रेइन द वॉटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड इन द वैसेल दूसरे दिन आपको क्या करना है उस पानी को निकाल देना है कम्प्लीट और फिर उसको उसी में वैसेल में रहने देना है वार्बैम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। उसके बाद में आपने जिस बर्तन में उसको रहने दिया है उस बर्तन को आपको क्या करना है वार विथ अ पीस ऑफ वेट क्लोथ गीले कपड़े से आपको उस बर्तन को ऊपर से पूरा कवर कर लेना है द फॉलोइंग डे उसी दिन डिड यू ऑब्जर्व मतलब कि कुछ घंटों मतलब जैसे सुबह में हमने उस गीले कपड़े को बांधा फिर हम रात को जब देखेंगे उस कपड़े को खोल के तो क्या आपको कोई चेंज दिखा उन सीड में डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन दीड अगर दिखा है तो अच्छी बात है और अगर नहीं दिखा है तो वापस से हमें उसको कवर अप कर देना है और फिर मतलब वेट क्लोथ को वेट करके उसको कवर अप कर देना है फिर हम दूसरे दिन वापस से देखेंगे तो दूसरे या तीसरे दिन हमें उसमें से स्प्राउट्स दिखेंगे अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव अ ग्रोन आउट ऑफ द सीड मतलब कि उन सीड्स में से एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो आउट होता है छोटा सा वाइट कल स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है इफ़ सो दीड है स्प्राउटेड अगर वो सीड स्प्राउटेड हो चुका है तो हमें उसमें से वाइट स्ट्रक्चर दिखेगा इफ नॉट वॉश द सीड्स इन अ वाटर अगर नहीं दिख रहा है तो हमें क्या करना है उस सीड को उस वाटर को उन सीड्स को वॉश कर देना है ड्रेन करना है ड्रेन द वाटर फिर से उस पानी को निकाल देना है एंड लीव दैम असाइड फोर अ अनदर डे और फिर उसको वापस से छोड़ देना है दूसरे दिन के लिए सेम ऐसा ही हमें चना में भी दिखता है कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ उसको वेट क्लोथ से कवर करो एंड द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स है स्प्राउटेड और दूसरे दिन आपको क्या दिखेगा स्प्राउटेड सीड्स देखने मिलेंगे आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स उन स्प्राउटेड सीड्स को वॉश करने के बाद में यू कैन ईट दैम आप उनको खा सकते हो फ्रेंड्स प्राउटेड सीड्स में हाइएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है दे कैन ऑल्सो बी अ बॉइल्ड हम उसको बॉयल भी कर सकते हैं एड सम स्पाइसिस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट उसके अंदर हम थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल देते हैं तो उसको एक एज अ स्नैक भी हम यूज़ कर सकते हैं स्नैक्स दैन मतलब कि एज अ बहुत ही मतलब टेस्टी नाश्ता हमारा बन जाता है डू यू नो वेर हनी कॉम्स कम फ्रॉम हनी कम्स फ्रॉम क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आती है और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड और कैसे प्रोड्यूस होती है फ्रेंड्स हनी मेडिस हनी का एक मेडिसिनल यूज़ अगर देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा गुड मेडिसिन है मतलब बहुत ही अच्छी मेडिसिन है हाईएस्ट अमाउंट में मेडिसिन में यूज़ होती है तो कहाँ से आती है हनी तो ये हम देखते हैं और कैसे बनती है हैव यू सीन अ बिहाइव वेर सो मैनी बीज कीप अ बजिंग अबाउट क्या आपने ऐसा बिहाइव देखा है जहाँ पे बहुत सारी बीज बस बजिंग करती है मतलब उसके आसपास में मंडराती रहती है उस हनी के आसपास में बीस कलेक्ट द नेक्चर नेक्चर इट मीन स्वीट जूस बीस कलेक्ट द कलेक्ट द स्वीट जूस फ्रॉम अ फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इन टू द हनी बीज जो है वो स्वीट जूस फ्लावर्स में से कलेक्ट करती है और फिर उसको क्या करती है कन्वर्ट करती है हनी में एंड स्टोर इट इन दर हाइव और फिर उसको अपने हाइव में मतलब कि उसके कोम में स्टोर करती है फ्लावर्स एंड देर नेक्चर में बी अवेलेबल ओनली फोर अ पार्ट ऑफ द ईयर फ्लावर्स में जो नेक्चर है वो शायद से ऐसा हो सकता ऐसा होगा कि जो फ्लावर्स में जो नेक्चर है वो मतलब कि जो स्वीट जूस है वो पूरे साल में कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही रहता है इसलिए बीज क्या करती है उस स्वीट uh, जूस को कलेक्ट कर लेती है और अपने हाइज में उसको रखती है वहाँ पर स्टोर करती है जिससे कि उनको पूरे साल का फूड मिल पाए सो बीज स्टोर दिज नेक्चर फॉर दर यूज़ बीज जो है वो अपने यूज़ के लिए उसको रखती है उसको स्टोर करती है ऑल थ्रू द ईयर पूरे साल के लिए वैन वी फाइंड अ सच बिहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोरेड बाय द बीज एज हनी अब अगर हमें ऐसा कोई हनी कोम मिल जाता है तो हम क्या करेंगे उसमें से उस बीज की जो मेहनत है उनका जो हनी स्टोर किया हुआ है उसको हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं और ऐसे ही हमें हनी मिलता है तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे व्हाट डू एनिमल्स ईट तो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल्स क्या खाते हैं इसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू